हेलो फ्रेंड्स लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स ये सारे टॉपिक हमने कन रीड आउट किए थे अब हमारा इसी टॉपिक के अंदर मिनरल मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन ये हमने बहुत ही ज़्यादा इस इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा आपसे फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑप्शन में कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है न और इसके नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में नाइट्रिफिकेशन अमोनिफिकेशन डी नाइट्रीफिकेशन ये बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आते हैं ज़्यादातर जो बैक्टीरिया उनके नाम बहुत पूछे जाते हैं तो उनको थोड़ा अपना अच्छे से कंसर्न करना है याद करना है लर्न करना है और इसके अलावा हमने जो लास्ट क्लास लास के अंदर हमने एसेंशियल नॉन असेंशियल एलिमेंट्स देखे है ना जिसमें हमने मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स देखे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस पोटाशियम मैग्नीशियम कैल्शियम इन सब की हमने बात डिस्कस की थी इनके हमने कैस किस फॉर्म में ये अपटेन होते हैं फंक्शंस क्या हैं डिफेंसी सिम्टम्स क्या हैं ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी उसके बाद हमने माइक्रो एलिमेंट देखी जिसमें आयरन बोरन मैगनीज जिंक कॉपर क्लोरीन निकल मोलीबडनम ये सारे डिस्कस किए थे हमने और चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज हम अपना टॉपिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द नाइट्रोजन अपार्ट फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज मोस्ट प्रीवेलेंट एलिमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो जो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन है नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द मोलिकुलर फॉर्म हैज़ टू नाइट्रोजन एटम आर ज्वाइन बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोपलेंट वॉन्ड तो वो कहता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो हमें कैसे मिलती है मोलिकुलर फॉर्म में और इसमें हमें दो नाइट्रोजन मिलते हैं जो आपस में ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से जॉइंट अप है मोलिकुलर नाइट्रोजन इज अ हाईली इनर्ट गैस एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द हायर प्लान टू अपटेन इट डायरेक्टली फॉर दियर यूज़ तो एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर में वो कैसी है मोलिकुलर नाइट्रोजन है और है कैसी हाईली इनर्ट गैस है इसलिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता राइट right? फॉर दिस परपजस इट मस्ट बी फिक्सड दट इज़ कम्बाइंड विद अर एलिमेंट सचेज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू फॉर्मिंग कंपाउंड सचेज नाइट्रेट नाइट्राइड अमोनियम सॉल्ट एक्सेट्रा बिफोर इट इज अब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज बा प्लांट इसीलिए अगर हम इसे फिक्स करना है अपनी बॉडी के लिए यूज़ करना है किसी प्लांट ऑर्गेनिजम को तो हमें हम डायरेक्ट उसे तो ले नहीं सकते इसलिए यह अदर कंपाउंड के साथ कंबाइंड होकर एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर कुछ कंपाउंड्स बनाती है और वो किस किस का कंबाइन हो सकती है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाकर क्या बना देती है जैसे नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्राइट्स फॉर्म में या अमोनियम साल्ट की फॉर्म जब ये कन्वर्ट हो जाता है जब नाइट्रोजन या हमारी मोलिक्रो नाइट्रोजन तब हम इसे हमारी कोई भी प्लांट या इसे बॉडी यूज़ कर सकती है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक रिमेन ऑफ द डेड प्लांट एंड मे एनिमल सप्लाई द नाइट्रोजन टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनियम्स माइक्रोब ऑल्सो कन्वर्ट द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन यूजबल फॉर्म्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हम मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन का कि कैसे जिसे मेटाबोलाइज किया जाता है बॉडी के अंदर तो कहता है कि जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है ऑफ द ऑर्गेनिक रिमेन्स जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें रह जाती हैं है ना किसी की बॉडी के अंदर उनका जो माइक्रोबियल डिस होता है जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको डीकम्पोज करते हैं चाहे वो प्लांट डेड पार्ट्स हो या एनिमल के डेड पार्ट हो फिर क्या करते हैं सप्लाई द नाइट्रोजन टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वो क्या करते हैं उस ऑर्गेनिक रिमेन से जितनी भी वो जो सड़ा गला चाहे प्लांट का पार्ट है या एनिमल का पार्ट है उसके अंदर जब माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होती है तो वो क्या करते हैं उस पार्ट में से नाइट्रोजन को कहाँ भेज देते हैं सॉइल के अंदर और किस फॉर्म में भेजते हैं नाइट्रेट और अमोनियम माइन्स की फॉर्म में माइक्रोब्स आल्सो कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स दिस इस प्रोसेस इज कॉल्ड द नाइट्रोजन और कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म के अंदर और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन चलिए जो आगे देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रिविलेंट एलिमेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सॉयल इट इज अवेलेबल टू द रूट ऑफ हायर प्लांट मोस्टली नाइट्रेट अमोनियम और नाइट्राइट आइंस तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे बड़ी बात कीजिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉयल में ये कैसे अवेलेबल होती है रूट्स के लिए जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के लिए जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल होगी सॉइल के अंदर एक तो नाइट्रेट फॉर्म में यानी एन नेगेटिव एक अमोनियम आइन यानी एन पॉजिटिव और नाइट्राइट आइन्स एन टू माइनस कई बार सिंपल इसका नाम भी पूछते हैं ये ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के अंदर ऐसे पूछ लेंगे कि नाइट्रेट का फार्मूला क्या है या नाइट्राइट का फार्मूला क्या है ये आप तो ये इतनी बेसिक चीज़ होती है जो आदमी को वहाँ पे माइंड इतनी टेंशन होती है हमारे माइंड के ऊपर कि हम वहाँ पर ये से क्वेश्चन भी वहाँ पर स्किप कर जाते हैं तो इसे ज़रा अच्छे ध्यान से देखिए कि नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है एन ओ थ्री नेगेटिव और नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है एन ओ टू माइनस ठीक तो ये नाइट्रेट और ये नाइट्राइट द रेगुलर सप्लाई ऑफ द नाइट्रोजन इज मेंटेन्ड थ्रू द नाइट्रोजन साइकिल इन द नेचर नेचर के अंदर ये जो नाइट्रोजन की जो सप्लाई है वो रेगुलर ऐसे हो रही है नाइट्रोजन साइकिल की हेल्प से नाइट्रोजन साइकिल कैन बी कन्वीनियंटली डिस्कस अंडर द फॉलोइंग स्टेप तो हम इसे अपने कन्वे अपने आप को ईजी करने के लिए हम इसे कितने फोर स्टेप पे हम इसे देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन और डी नाइट्रिफिकेशन ये एक कंप्लीट साइकिल बनती है और ये क्या होती है इसे हम एक एक करके देखते हैं कंप्लीट करके तो नंबर फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का देन उसको अमोनिफिकेशन का उसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन और देन लास्ट स्टेप है आपका डी नाइट्रीफिकेशन तो ये आपकी एक सिंपल नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पर आउट है और यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये टोटल हमारे पास जो अवेलेबल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है उसका या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है राइट ये जो जितने भी फिक्सेशन हुए उससे क्या होगा आपको इमीडिएटली में क्या फॉर्म मिलेगा या तो एन थ्री फॉर्म में मिलेगा या वो एन NO ओ में तो अगर एन फॉर्म में मिले तो डायरेक्ट एन ओ में कन्वर्ट होगा राइट right? और यानी कि आपके पास जो एन एच थ्री फॉर्म है वो कन्वर्ट किस में हो रही है एन ओ टू माइनस है ना यानी कि नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया फिर वो नाइट्रेट आगे कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट नाइट्रेट में तो अमोनिया पहले जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा या इंडस्ट्रियल होगा या इलेक्ट्रिकल होगा हमारी जो नॉर्मल एटमोसफेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन वो पहले सबसे पहले कन्वर्ट होगी एन एच थ्री के अंदर अमोनिया के अंदर वो अमोनिया आगे कन्वर्ट किसके अंदर होगी हमारी ये अमोनिया कन्वर्ट होगी हमारी आगे जाके नाइट्राइट में और नाइट्राइट आगे जाके कन्वर्ट होगा नाइट्रेट के अंदर ये जो कन्वर्शन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है सॉइल के अंदर और इसे कहते हैं सॉइल नाइट्रोजन पूल क्या बोलते हैं सॉइल नाइट्रोजन पूल उसके बाद और ये जो ये तो हो गया नाइट्राइट ये हो गया नाइट्रेट और डी से भी हमें नाइट्रेट मिलता है इन ये जो हमारे पास ये भी देखो सब पॉइंट सिंपली है कि इस फॉर्म में ही कोई प्लांट उसे अपटेक करेगा किस फॉर्म में जब किस फॉर्म में हो वो नाइट्रेट नाइट्रेट फॉर्म में ही कोई प्लांट किसी भी नाइट्रोजन की फॉर्म को अपटेक करता है और उससे उस प्लांट का पूरा बायोमास क्रिएट होगा और एल प्लांट बायोमास से एनिमल बायोमास क्रिएट होता है क्योंकि प्लांट से ही एनिमल अपनी ग्रोथ कर पाते हैं ना जितना प्लांट प्रोडक्ट होता है फूड की फॉर्म में और ये जब प्लांट बायोमास का या एनिमल बायोमास का जो डिकेइंग बायोमास होता है वो मास जो डेड हो चुका है उसका बाद में क्या होता है अमोनिफिकेशन राइट right? क्या होगा उसका अमोनिफिकेशन और वो अमोनिफिकेशन की वजह से ही उसकी बॉडी में चाहे वो एनिमल का पार्ट हो प्लांट का पार्ट हो उसके अंदर जितनी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में आ जाएगी सॉइल के अंदर अमोनिया फॉर्म में और अमोनिया से फिर वो साइकिल चल पड़ेगी तो इस तरीके से सारा का सारा साइकिल चल रहा है चलिए आगे देखते हैं अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं तो पहला स्टेप हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल का जो पहला स्टेप आ गया वो आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द कन्वर्शन ऑफ एटमोसफिर नाइट्रो मोलिकुलर नाइट्रोजन इं टू द यूज़फुल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन लाइक नाइट्रेट अमोनिया अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा इस कॉल्ड हैज़ ए नाइट्रोजन फिक्सेशन तो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग क्या हुआ कि कन्वर्शन कर रहे हो आप किसी भी एटमोसफिरिक मॉलिकुलर नाइट्रोजन का जो भी आपकी एटमोस्फेर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है एंड टू फॉर्म में उसे कन्वर्शन कर रहे हो आप एक यूजफुल फॉर्म में लाइक नाइट्रेट अमोनिया अमोनिया एसिड्स और ये चीज़ क्या कहलाती है नाइट्रोजन का फिक्सेशन इट मे बी ए बायोलॉजिकल ड्यू टू दी लाइटिंग एंड थंडरिंग और इन इंडस्ट्री और बायोलॉजिकल दो तरीके से हो सकता है ये फिक्सेशन वो ए बायोलॉजिकल मेथड भी हो सकता है या बायोलॉजिकल ए बायोलॉजिकल में इक्लूडिंग है जो लाइटिंग हो है ना जैसे बिजली कटकड़ाती कर है या थंडरिंग और इंडस्ट्रीज की वजह से और या बायोलॉजिकल थ्रू द कन्वर्शन ऑफ द मॉलिकुल नाइट्रोजन इंटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स थ्रू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो क्या बोल रहा है कि आप कन्वर्शन कर रहे हो मालिकुलर नाइट्रोजन एंड मालिकुलर नाइट्रोजन के इसमें इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर कैसे थ्रू विद दी हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया तो जो साइनो बैक्टीरिया उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी दोनों एक ही बात है इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बोथ फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक फॉर्म्स ये दोनों जो फॉर्म्स आप बात कर रहे हो वो कैसे होती हैं फ्री लिविंग होती हैं प्लस सिम्बायटिक फॉर्म्स होती हैं तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास एक होती है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दूसरा है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबेक्टीरिया तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं तो पहला हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन एक तो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में और एक जो फ्री लिविंग है तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और एक है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो जो फ्री लिविंग वाले जो बैक्टीरिया है फिक्सिंग बैक्टीरिया वो कौन कौन से हैं एजोबैक्टर बर्जीनिकिया प्लॉस्टिडियम बेसिलस रोडोस, रोडोसूडोमोनास रोडोस्पायरलियम क्रोमेटीडियम है ना ये सारे तो जो या बायजिन किया है वो कैसा है एरोबिक है और सेप्रोफिटिक है एरोबिक का मीनिंग क्या होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस करे राइट और सैप्रोट्रोफिक मीन्स क्या होगा कि वो जो डेड डिकेइंग मैटर है उनके ऊपर काम करते हैं कोलोस्ट्रीडियम और बेसिलस ये भी ये एनरोबिक है यानी कि इनके अंदर कैसा हो रहा है यहाँ तो ऑक्सीडेशन है यहाँ एनऑक्सीडेश ऑक्सीडिक है ये तो ये भी सैप्रोफिटिक है और आगे है डी सल्फो विब्रियो ये है कीमोट्रॉफिक मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है केमिकल कंपोजिशन चल रहा है काम उसके बाद है रोडो ये मतलब ये केमिकल्स जहाँ पर इनका जो नेचर है जो ये इनका फूड प्रोडक्ट है वो कैसा है जहाँ जो, जो, जो जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है ऑक्सीजन यहाँ पर केमिकल है ना ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू कर रहे हैं अपना डिकम्पोजिशन रोडोसुडोमोनास रोडोस्पैरिलियम क्रोमिटीडियम ये सारे एनारोबिक और फोटो हैं नेक्स्ट देखते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल है कैलोथ्रिक्स लिम्बिया ओलोसेरिया है ना साइक्लेंड्रोस्पर्मम ट्राइकोडेसमियम एनाबीना और नॉन ये सारे याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। हैं फिर एज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम फ्रेंकिया स्पायरियम सेक्टर और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिकसिंग साइनोबैक्टीरिया एनाबीना नॉन स्टॉक स्पीशिज आर कॉमन सिम्बायोट इन लाइकस एज इन रिच फील्ड्स एंड क्रोलाइड रूट्स इन द साइकस क्रोलॉइड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा अब देखते हैं आगे नोड्यूल फॉर्मेशन मल्टीप्लाई एंड कॉलोनीज़ द सराउंडिंग ऑफ द रूट्स एंड गेट अटैच टू द एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल्स तो ये क्या करता है रूट की जो एपिडर्मल लेयर है और जो रूट सेल्स हैं उनके साथ ही अटैच हो जाता है कॉनराइजोबिया और उनकी कॉलोनीज़ वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं द रूट हेयर्स कर्ल एंड बैक्टीरिया इन्वेडियंट द रूट हेयर्स वहाँ पर क्या होगा जैसे ये उसके आस घेरा बनाएंगे तो जो रूट हेयर्स हैं वो उनके सराउंडिंग में कर्ल हो जाएंगी और कर्लिंग से क्या होगा ये उनके अंदर एंटर कर जाते हैं एंड इन्फेक्शन थ्रेट इज प्रोड्यूसड कैरिंग द बैक्टीरिया इन टू द कॉटक्स ऑफ द रूट अब क्या होगा एक इन्फेक्शन थ्रेड क्रिएट होगी जिसके थ्रू ये बैक्टीरिया रूट की कॉटेक्स तक पहुंच जाएंगे वेयर दे इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन और वहां जाकर ये नोड्यूल फॉर्मेशन को इनिशिएट करेंगे देन द बैक्टीरिया आर रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इन टू द सेल विच लीड टू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल उसके बाद वो बैक्टीरिया जो है वहाँ पहुँच कर रिलीज आउट होगा थ्रेड से और क्या करेगा उसके बाद वहाँ पर जाकर डिफ्रिशिएशन क्रिएट करेगा और एक नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल स्पेशल एक नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल को क्रिएट कर देगा नोड्यूल थेज फॉर्म्ड इस्टेब्लिश डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो इस तरीके से वहाँ पर नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे होगा वेस्कुलर कनेक्शन के साथ द नोड्यूल कंटेन ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट सच एज एंजाइम नाइट्रोजनेज एंड मॉलिबिडिनम आयरन प्रोटीन दैट इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन कॉल्ड द लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट तो क्या होगा जैसे नो नोडु, नोडुल के पास क्या क्या चीज़ें होगी नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स होंगे कुछ एंजाइम्स होंगे नाइट्रोजिनेज उसके अलावा मोलिबम आयरन प्रोटीन होगी और जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है किसके लिए ऑक्सीजन के लिए और इसे कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन ये पिगमेंट है और इसे कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं ऑक्सीजन स्केवेंजर अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन स्केवेंजर कौन होता है तो लेग हीमोग्लोबिन है प्रोटेक्ट दी नाइट्रोजीनियस एंजाइम फ्रॉम इट्स ऑक्सीडेशन बाय द ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीजन को खाने वाली है मतलब कर क्या रही है कि ये नेट्रोजनियस एंजाइम को प्रोटेक्ट करती है कि उसका ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडेशन ना हो जाए इट इज ए रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन दैरी बैक्टीराइड स्पेस इन द साइटोसोल ऑफ द नोड्यूल सेल्स तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि डायग्राम के अंदर शो हुआ है कंप्लीट यहाँ पर क्या कि हमारे पास ये आप देख रहे हो कि ये रूट रूट से ये रूट हेयर निकले हुए हैं और बीच बीच में ये सॉयल पार्टिकल्स पड़े हुए हैं और यहाँ बैक्टीरिया भी है धीरे धीरे क्या होगा थोड़ा जूम करके अगर हमने देखा तो ये हमारा रूट है यहाँ पर कर्ल हो गया है ना इस तरीके से अब यहाँ पर क्या हुआ एक बैक्टीरिया थ्रेड बन गई आपकी जो जैसे ये यह बैक्टीरिया यहाँ से यहाँ तक अंदर तक कॉटक्स इनर कॉटेक्स एंड पेरी तक पहुँच गया वो वहाँ जाकर वो क्या करेगा डिवीज़न करेगा और इस तरीके से वहाँ पर या अंदर जाके वो क्या कर लेगा अपना मैच्योर नोड्यूल की फॉर्मेशन करेगा तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे डेवलपमेंट हुई रूट नोड्यूल्स की आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे क्या तरीका है कैसे फिक्सेशन uh, होता है द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूम्स टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम नाइट्रोजिनस तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि किस एंजाइम की हेल्प से होता है नाइट्रोजीनियस द एक्टिव नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स कंटेन प्रोटीन वन एंड प्रोटीन टू कंपोनेंट इन द रेशो ऑफ वन रेशो टू तो नाइट्रोजिनियस कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में क्या है दो प्रोटीन का रेशो है प्रोटीन वन और प्रोटीन टू का है ना और किस कम रे, इसका रेशो क्या है वन रेशो टू फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज़ रिडक्शन ऑफ द अमोनिया इज अकम्पलिश इन थ्री स्टेप्स तो यहाँ होगा क्या नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है और सबसे इसमें होगा क्या कि जो आपकी अमोनिया उसे रिड्यूज रिडक्शन किया जा रहा है उसका थ्री स्टेप्स के अंदर इन ईच स्टेप टू इलेक्ट्रॉन और ऑल्सो टू प्रोटोन आर ट्रांसफर्ड फ्राम द रिड्यूज को अनजैम एन ई डी पी एच टू नाइट्रोजन तो यहाँ पर क्या हो रहा है हर एक स्टेप के अंदर जो एन ई डी पी एच एच जो यहाँ पर कोवंजाइम की तरह काम कर रहा है रिड्यूस कोवेंजाइम वो क्या करेगा उससे दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे नाइट्रोजन को डाइमाइड एंड हाइड्राजीन आर फॉर्म्ड हैज इंटरमीडिएट्स तो इंटरमीडिएट की फॉर्म में वहाँ पर आपको डायामाइड और हाइड्राजीन बनेंगे ए टी पी विच कम थ्रू द रेस्परेशन प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग दियर और रेस्परेशन की हेल्प से जो ए टीपी बन रही है वो इस रिएक्शन के अंदर क्या कर रही हैं एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं तो ये हमारे पास नाइट्रोजन है दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटोन दिए किसने दिए आपको एन डी पी एच टू ने दिया है ना जो एन है वो दे रहा है दो इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से क्या हुआ डाइमाइड बना फिर दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटोन दिए गए तो हाइड्राजीन बनी ये हाइड्राजीन है एच टू एन सिंगल बॉन्ड एन एच टू हाइड्राजीन बनी फिर उसको दो इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन दिए तो आपको लास्ट में हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट आया एंड प्रोडक्ट वो क्या आया अमोनिया एट ईच स्टेप टू इलेक्ट्रॉन एंड टू प्रोटॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू नाइट्रोजन थ्रू द कंपोनेंट्स ऑफ द नाइट्रोजनियस कॉम्प्लेक्स तो कहता है हर एक स्टेप के अंदर दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटोन ट्रांसफर किए गए नाइट्रोजन को थ्रू दी कम्पोनेंट ऑफ नाइट्रोजनीस कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास नाइट्रोजनीस का जो कॉम्प्लेक्स था उसकी हेल्प से और वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा था नाइट्रोजनीस का जो हमारा एग्जाम है वो हमारे पास जो पूरी प्रोटीन का जो प्रोटीन वन और प्रोटीन टू का जो कम्पोनेंट है जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ उसकी हेल्प से तो ये डायग्राम मशो क्या हुआ है कि जो हमारे पास एन ई डी पी एच और ये यानी ये इड्यूस होने के बाद तो ये दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटोन दे रहा है और साथ में जो ए टी पी है वो जो एडीन टाईफोस्फेट में कन्वर्ट हो जा रही है एनर्जी देके के एडीनोसिन डाईफॉसफेट में और एक फॉस्फेट निकलेगी ठीक तो इस तरीके से हमारा लास्ट में प्रोडक्ट क्या बन जाता है अमोनिया तो हमारी ये कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन रिडक्शन हो रही है प्रोटीन ऑक्सीडेशन ये चल रहा है पूरा का पूरा तो इस तरीके से हमारे लास्ट में हम अमोनिया क्रिएट हो रही है मतलब हमारे पास जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक वो टू एनएस थ्री के अंदर कन्वर्ट हो रही है अब उसके बाद देखते हैं द रिएक्शन कैटलाइज बाय द नाइट्रोजनीज इज समराइज हैज़ फॉलोज तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब हम इसको समराइज़ करें तो टोटल तो तो हमारे रिएक्शन के जो नाइट्रोजन है एटमोस्फिर उसको आठ इलेक्ट्रॉन प्लस आठ प्रोटॉन और सोला ए जब इसको दिए जाएंगे तो ये डी नाइट्रोजिनेस एंजाम की हेल्प से अमोनिया हाइड्रोजन और सोलह ए और सोलह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमें रिसीव हुए अमोनिया सिंथेसिस बाय द नाइट्रोजनेज रिक्वायर अ वेरी हाई इनपुट ऑफ द एनर्जी मतलब हमें इस अगर अमोनिया का सिंथेसिस करना है नाइट्रोजनज बाई नाइट्रोजन संजाइम तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लेनी पड़ती है जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट है एट एटीपी की फॉर ईच अमोनिया प्रोडक्ट एक अमोनिया का एक मालिकूल बनाने के लिए हमें आठ एटीपी जरूरत पड़ती है विच इज ऑप्टेंड फ्रॉम द रेस्परेशन ऑफ द होस्ट सेल। फ्यू प्लांट्स आर एबल टू ग्रो इवन इन नाइट्रोजन डेफिशेंट सॉयल्स विदाउट द एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म दीज प्लांट्स ऑप्टेन और फुलफिल द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बाय द ट्रैपिंग इंसेक्ट एंड आर कॉल्ड द इसेक्टिवरस प्लांट एग्जाम्पल नेपथींस ड्रोसेरा वीनस फ्लाई ट्रैप और यूट्रीकोरिया तो मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो वहाँ उन सॉइल्स के अंदर ग्रोअप करते हैं जहाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग ये है ही नहीं है ना एसोसिएशन बनता है नहीं ना है ना यहाँ पर तो वो क्या करते हैं वो डायरेक्ट इन्सेक्ट्स को खा जाते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन अप्रेजेंट है, है और ऐसे प्लांट्स कौन कौन से है ड्रोसेरा वीनस फ्लाई ट्रैप और यूट्रिकुलेरिया एग्जाम्पल है रखना है ये भी अब हम नाइट्रोजन स्टेप पढ़ते हैं हमने पहला तो नाइट्रोजन का पहला स्टेप देख लिया। अब second देखते हैं। अमोनिफिकेशन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ऑफ द डेड रिमेन ऑफ द प्लांट्स एनिमल एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो यहां पर क्या कह रहा है वो प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ द डेड रिमेन ऑफ द प्लांट्स एनिमल एंड एक्सिटी प्रोट ऑफ द एनिमल्स आर डीग्रेडेड बाई द माइक्रोन अमोफिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा जो प्रोटीन्स हैं और जो न्यूक्लिक एसिड्स आप आपको पता है प्रोटीन की फॉर्मेशन में भी नाइट्रोजन हेल्पफुल होता है और न्यूक्लिक एसिड में भी है ना क्योंकि आपको पता है न्यूक्लोटाइड में नाइट्रोजन तो होता ही होता है प्रेजेंट बेस की फॉर्म में वैसे ही प्रोटीन के अंदर प्रोटीन का जो आ, अगर हम बेसिक फॉर्म की बात करें तो प्रोटीन बनते कैसे अमीनो एसड्स और अमाइनो एसिड्स के अंदर कौन होते हैं नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं राइट तो कहते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ऑफ द डेड रिमेन्स कि चाहे वो प्लांट या एनिमल का जो डेड चीज़ें हैं जो डेड डिकिंग मैटर है उनके अंदर जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है या उनके जो एक्सट्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं वो डिग्रेडेड हो जाते हैं बाई आर डिग्रेडेड बाय द वो माइक्रो ऑर्गेजम के थ्रू डिग्रेड किए जाते हैं और उनमें कौन कौन शामिल है बेसिलस रोमोनास बेसिलस वलगेरिस क्रॉस्टिडियम और एक्टिनोमाइसिट्स ये सारे के सारे हेल्प करते हैं डिग्रेडेशन प्रोसेस के अंदर विद द लिब्रेशन ऑफ अमोनिया दिस प्रोसेस कॉल्ड द अमोनीफिकेशन और तब वहाँ पर अमोनिया रिलीज आउट होती है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है अमोनिफिकेशन प्रोटीन आर द फर्स्ट ब्रोकन अप इनटू अमीनो सबसे पहले क्या होता है जब जैसे प्रोटीन को आप तोड़ोगे तो अमीनो एसिड्स मिलते हैं बाद में लेटर आर द डी एम टू फॉर्म बाद में अमीनो एसिड से अमोनिया बन जाती है कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस आर यूज बाय द मार्क्रीन ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन बनाएगा पहले वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा अमीनो एसिड्स और ये अमीनो एसिड फिर वाटर हटेक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे ऑर्गेनिक एसिड और साथ में अमोनिया अमोनिया चेंज फ्रॉम गैशिज़ टू आइनिक फॉर्म इन दॉयल एंड इस यूटिलाइज बाय द प्लांट प्रोवाइड दैट पीएच ऑफ़ द दॉयल इज मोर देन सिक्स एंड प्लांट कंटेन एबिडेंट ऑर्गेनिक एसिड फॉर इट्स प्लांट्स बेगूनिया एंड ऑक्जैलिस कैन स्टोर अमोनिया आइंस अमोनियम आइन तो इस तरीके से अमोनिया का चेंज किया आपने उसकी गैशस फॉर्म से उसकी आइनिक फॉर्म के अंदर सॉइल के अंदर और बाद में प्लान्ट से फिर उसे यूटिलाइज करता है किस पी के ऊपर जहाँ पर वहाँ पर मोर दैन सिक्स हो जाती है ठीक अब देखते हैं थर्ड स्टेप के हमारा नाइट्रिफिकेशन अमोनिया थर्स प्रोड्यूस बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द मेन्योर एंड ऑर्गेनिक मैटर में नॉट बी एबल टू प्लांट बिकॉज इट रेडली लीचिस इं टू दॉयल वो कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है जो अमोनिया है वो कैसे मिल रही है मैन्योर या ऑर्गेनिक मैटर की डिग्रेडेशन से जो कि अवेलेबल नहीं होती प्लांट के लिए बिकॉज इट रेडली लीचिस इंटू द सॉइल इट इज़ कन्वर्टेडेड इन टू दी नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ सर्टन माइक्रोर्गिजिजम यहाँ पर भी कुछ माइक्रॉग्रेज हेल्प करेंगे दिस कन्वर्शन ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियन टू नाइट्रेट इज कल द नाइट्रिकेशन यहाँ पर जो कन्वर्न हो रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है अमोनिया का नाइट्रेट फॉर्म के अंदर इसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन इट इज परफॉर्मड इन टू टू स्टेप्स नाइट्रेट फॉरमेशन एंड नाइट्रेट फॉर्मेशन तो पहले नाइट्राइट बनेगा और उसके बाद नाइट्रेट बनेगा यानी पहले नाइट्रेट फॉर्मेशन होगी और फिर नाइट्रेट बनेगा राइट right? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पहले क्या हो रहा है दो स्टेप में कन्वर्सेशन हो रहा है पहले तो बन रहा है नाइट्राइट नाइट्राइट मतलब NO2- टू माइनस है ना यहां बन रहा है नाइट्रेट फॉर्मेशन नाइट्रेट में क्या मतलब हुआ होगा एनओ थ्री नेगेटिव इन दिस फर्स्ट स्टेप अमोनियम आयन आर ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट्स सबसे पहले स्टेप में क्या होगा जो आपका NH3 थ्री है वो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा नाइट्राइट्स के अंदर नाइट्रोसोमोनास आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ दमोन टू नाइट्रेट तो यहां पर काम कर रहा है बात. सबसे बात. सबसे बात. नाइट्रोसोनाइट्रोमोनासम में हेल्प कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या चीज में हेल्प कर रहा है आपकी नाइट्रोसोमोनास आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इन द सॉइल राइट फिर सर्टेन अदर बैक्टीरिया नाइट्रो सोकोकस नाइट्रोसोबलस नाइट्रोस्पायरिया नाइट्रोकार्डिया और स्टोमाइस ये भी हेल्प करते हैं इन द सेकेंड स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ द नाइट्राइट टू नाइट्रेट अब क्या हो रहा है सेकंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन हो रहा है नाइट्रेट के अंदर यानी एन ओ टू नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है एन ओ थ्री नेगेटिव के अंदर टेक प्लेस एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरिया बिलोंग टू मेनली टू जेनरा नाइट्रोबैक्टेरिया जो नाइट्रोबैक्टेर जेनरा के अंदर जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो इस काम को सेकेंड स्टेप को कम्प्लीट करते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था अमोनिया अमोनियम आइन को हमने कन्वर्ट किया था नाइट्रेट नाइट्राइट के अंदर और अब नाइट्राइट को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट के अंदर इन एडिशन सर्टेन फंजाई सेफेलोस्पोरियम एस्परजिलस पेनिसिलियम हैव बीन रिपोर्टेड टू कैरी आउट द नाइट्रिफिकेशन ये भी हेल्प करते हैं तो अमोनियम आइन ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रोमोनास की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो रहा है एन ओ टू नेगेटिव के अंदर साथ वाटर प्रोटोन और कुछ 84 फोर किलोकुलर एनर्जी भी रिलीज होती है तो उसके बाद नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एनओथ्री नेगेटिव हमें रिसीव हो गया और इतनी एनर्जी में मिल गई राइट right? अब देखते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन इन प्लांट्स नाइट्रेट कैन नॉट बी यूटिलाइज बाई प्लांट हैज सच इट इज़ फर्स्ट रिड्यूस टू अमोनिया बिफोर बींग इनकॉपरेट इन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट अकर इन फॉलोइंग टू स्टेप्स तो वो कहता है कि नाइट्रेट को डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते प्लांट्स लेकिन इनकी जो एंट्री है वो हमने पहले बार डिस्कस की थी कि जो नाइट जो एंट्री होगी वो किस फॉर्म में हो रही थी हमारी एन ओ थ्री नेगेटिव की फॉर्म में यानी कि नाइट्रेट डायरेक्ट प्लांट के अंदर एंटर तो करता है बट यूटिलाइज नहीं कर सकता यूटिलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे रिड्यूस करना पड़ेगा अमोनियम के अंदर बिफोर बीइंग ताकि हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंबाइन कर सकें तो पहले देखते हैं रिडक्शन ऑफ द नाइट्रेट टू नाइट्राइट इज़ कैरिड आउट बाय एन इंड्यूसिबल एंजाइम नाइट्रेट रिडक्ट इज द एंजाइम इज़ ए मोलिब्डो फ्लैबो प्रोटीन तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंजाइम आप यूज़ कर रहे हो प्रोटीन को राइट अब यहां पर क्या हो रहा है इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा इट रिक्वायर्ड ए रिड्यूस को एनएडीएच और एनएडीपीएच फॉर इट्स एक्टिविटी विच इज ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विद्रेड बाई एफ एडी और एफ मतलब बात क्या हुई कि जब आप जब सबसे पहले हम अगर हम दोबारा से रीड आउट करेंगे पहले मैं पास नाइट्रोजन अवेलेबल थी एटमोसफेयर के अंदर एन की फॉर्म में उससे जाकर उसका सबसे पहले क्या हुआ फिक्सेशन फिक्सेशन में वो अमोनिया में कन्वर्ट हुई अमोनिया से वो फिर किस में कन्वर्ट हुई आपकी नाइट्राइट में और नाइट्राइट से वो नाइट्रेट में ये सारा काम हुआ सॉइल के अंदर वहाँ पर नाइट्रोजन का पूल क्रिएट हुआ अब प्लांट अपटेक करेगा नाइट्रोजन को इन दी फॉर्म ऑफ नाइट्रेट लेकिन अब्जॉर्ब करने के बाद उसे वो डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकता ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में उसे फिर उस नाइट्रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा अमोनियम के अंदर है ना और इसके लिए वो क्या कर रहा है इसके लिए वो ये फर्स्ट स्टेप आपने देखा कि पहले वो रिडक्शन करेगा नाइट्रेट को पहले नाइट्राइट में फिर से वो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन काम चल रहा है तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा नाइट्राइट नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसके लिए यूज़ रिड्यूस्ड को एनजाइम एन और एन फॉर इट्स एक्टिविटी इसे रिड्यूस okay. करना पड़ेगा विच इज डॉट कैन कंडक्ट विद द नाइट्रेट बाई एफ और एफ तो यहाँ पर क्या हुआ जो हमारे पास एन था उसमें एन प्लस प्रोटोन दिया और नाइट्रेट एडकटेज एंजाइम यूज़ किया एफ और एफ की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिला एन और एच और एन पॉजिटिव तो ये जो नाइट्रेट है सेकंड स्टेप में ये नाइट्रेट कैरियड आउट बाई द एजामज नाइट्रेट एडक्टेज अब ये एंजाइम यूज़ किया द एंजाइम इज बटेलो फ्लैबोप्रोटीन विच कंटेन कॉपर और आयरन इट अकर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इन लीव सेल्स एंड ल्यूकोप्लास्ट ऑफ अदर सेल्स नाइट्राइटक्टेज रिक्वायर्स रिड्यूसिंग पावर विच इज ऑपटेंड फ्रॉम एन एंड एन डी एन इन इल्यूमिनेटेड सेल्स रिडक्शन प्रोसेस आल्सो रिक्वायर द फेरडॉक्सिन विच अर इन दी ग्रीन टिश्यू ऑफ द हायर सेल तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट हमें यूज़ चाहिए होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंस पता चल रही है क्लोरोप्लास क्यों यूज चाहिए, है। चाहिए है। तो है क्योंकि उसके पास वो सारे के सारे जो रिडक्टेज एंजाम है वो यहाँ पर अवेलेबल है इट इज़ प्रज्यूम दैट इन हायर प्लांट्स आई नाइट्रेट इज ट्रांसलोटेड टू लीव सेल्स और सम अदर इलेक्ट्रॉन डोनर लाइक एफ ए डी ऑपरेट इन इल्यूमिनेटेड सेल्स द प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रेट रिडक्शन इज अमोनिया तो बाद में हमें प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट क्या मिला अमोनिया मिल गया तो यहाँ क्या हुआ एन ओ टू नेगेटिव इसके साथ मिलके और साथ में प्रोटो लेके क्या करेगा नाइट्राइट एंजाइम की हेल्प से प्रोटोक्सिन की हेल्प से जो हमारा को अफेक्ट की तरह काम कर रहा है अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा अब अमोनिया का क्या आगे जाके क्या भविष्य बनेगा फेट ऑफ अमोनिया एट फिजोलॉजिकल पी एच द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म ए अमोनियम आयन अब वो जो हमारा अमोनिया है अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एन एच फोर पॉजिटिव आयन है ना अब दिस अमोनियम आइन इज़ यूज टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड इन दी प्लांट अब वो अमीनो एसिड्स बनेंगे बाद में अपने अकॉर्डिंग टू सेल प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगी दो तरीके से ये एमोनियम आइन प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा इन रिडक्टिव एमिनेशन दूसरा है ट्रांस एमिनेशन इन रिडक्टिव एमिनेशन अमोनिया रिएक्ट विद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एंड फॉर्म द ग्लूटामिक एसिड सबसे पहले क्या होगा अगर आप रिडक्टिव एमिनेशन की बात करें यहाँ पर अमोनियम आयन की रिएक्शन करवाई जाएगी अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड की के साथ और क्या बनेगा रिजल्ट में ग्लूटामिक एसिड ये आपने देखा होगा जब साइकिल चलती है वो वहाँ पर ये बनता है हैज़ एन इंडिकेटेड इन द इक्वेशन गिवन below. तो so, यहाँ पर चल रहा है हमारे पास अल्फा किटो गुलाटिक एसिड अमोनियमान रेड कर रहा है एनडीपीएच की प्रेजेंस में प्रोटोन मिल रहे हैं और ग्लूटामिट डिहाइड्रोजेट अंजाम यहाँ पर काम कर रहा है इसके ऊपर और आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है ग्लूटामिकसिड वाटर और एन अब ट्रांसमिनेशन हुआ है द ट्रांसफरशन ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनोर्सिटी टू कीटो ग्रुप ऑफ ए कीटो यहाँ पर क्या हो रहा है ट्रांसमिनेशन मतलब ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनोसिट टू द कीटो ग्रुप कीटो एसिड यहाँ पर अमीनो एसिड जो है, तो जो है के अंदर, उसे अब हम कीटो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं राइट ग्लुटामिकेनो एसिड विच फ्रॉम फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ अम्यनो ग्रुप टेक प्लेस एंड अदर अम्यूनोसेड आर फॉर्म थ्रू ट्रांस तो ट्रांस के थ्रू जैसे हम उसका अम्यूनो ग्रुप वहां से ट्रांसफर करेंगे तो हमें हमारे पास एक नया अम्योनोसेड हमें मिल जाएगा एसपार्जिन एंड ग्लोटामिन आर द मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट एमाइड्स फॉम इन द प्लांट दैट फॉर्म द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्रोटीन तो जो एसपार्जिन हमारा अमीनो एसिड है और जो ग्लोटामिन हमारा अमीनो एसिड है उसकी हेल्प से हम ऐसी ऐसी प्रोटीन्स बनाएंगे जिससे वो अदर स्ट्रक्चरल पार्ट तैयार हो जाएंगे प्लान के सिंस अमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन दैन अमी एसड्स दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लान बायलम वैसल्स ड्यूरिंग द ट्रांसप्रेशन और जयलम वैसल्स की हेल्प से हम अमाइड को ट्रांसलोकेट करेंगे क्योंकि अमाइड के पास अमीनो एसिड के कंपनी में ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है और उसे फिर हम वेसल्स के थ्रू अलग अलग जगह पर भेजेंगे द नोडल ऑफ द सम प्लांट्स सोयाबीन आल्सो एक्सपोर्ट द दिक्कस नाइट्रोजन हैज यूरिड्स तो यूराइड्स की फॉर्म में भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं दिस कंपाउंड आल्सो हैव ए पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू द कार्बन रेशियो अब लास्ट स्टेप आ गया हमारा फोर्थ स्टेप डी सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज नाइट्रेट अंडर द दरोबिक कंडीशंस एंड दे आर रिड्यूज नाइट्रेट्स इन टू गैशियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन तो वो वापस नाइट्रोजन को दे देते हैं एटमोसफियर को नाइट्रोजन वापस दे देते हैं वो कैसे देते हैं नाइट्रेट से दोबारा नाइट्रोजन को बना देते हैं द बैक्टीरिया इन्वॉल्व द इस प्रोसेस आर था सूडोमोनास डी नाइट्रिफिकेंस थी बेसिलस डी नाइट्रिफिकेंस माइक्रोकोकस डी नाइट्रिफिकेंस ये सारे याद करने आपने सम स्पीशीज ऑफ सीरेटिया बेसिलस एंड एक्रोमोबैक्टर आर ऑल्सो इन्वॉल्व दिस प्रोसेस डीपली इंपॉर्टेंट न्यूट्रन टू ऑफ द सॉयल कॉज द एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड हेल्प टू सोलबलाइज हार्मफुल मेटल प्रेजेंट इन दॉयल तो इस तरीके से जो एन ओ थ्री नेगेटिव था वो एन ओ टू नेगेगेटिव में कन्वर्ट हुआ फिर एन NO ओ में फिर एन टू और लास्ट में एन टू तो इस तरीके से ये प्रोसेस हुआ डी नाइट्री दिनित्र, डी नाइट्रिफिकेशन क्या हुआ जो आपका नाइट्रेट है वो नाइट्राइट में नाइट्राइड फिर आपका मोनो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में फिर एन टू में और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगी एटमोस्फ्रिक नाइट्रोजन तो थैंक यू सो मच आज नित्रोज हमारा ये जो मिनरल ट्यूशन वाला जो टॉपिक है वो पूरा पूरा कंप्लीट हुआ और थैंक यू सो मच आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और अच्छे से पूरी सिलेबस की तैयारी कीजिए तो आज हमने लगभग लगभग मानिए थर्टी फाइव परसेंट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लास के अंदर हम अपना फोटोसिंथेसिस चैप्टर स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच